अगर आप खरीदना चाहते हो एक नया इथरनेट केबल और उसके लिए आप जाते हो मार्केट में या फिर आप कर रहे हो ऑनलाइन रिसर्च, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि उस केबल की पैकेजिंग पे या फिर उस केबल की स्पेसिफिकेशन पे लिखा हुआ रहता है कैट 5, कैट 5E या फिर कैट 6 ए या फिर कैट 7। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इनका क्या मतलब है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं कि सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जितने भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे कैट 5, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, यहाँ पे जितने भी है ये सारे बेसिकली अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। और यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स मतलब अलग अलग स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे उसके साथ साथ मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खरीदते हो एक कैट 5 केबल, उसके मुकाबले में एक कैट 5E केबल ज़्यादा महंगा होगा और कैट 5E के कंपैरिजन में कैट 6 ज़्यादा महंगा होगा, कैट 6 के कंपैरिजन में कैट 6A ज़्यादा महंगा होगा और कैट 6A के कंपैरिजन में कैट 7 ज़्यादा महंगा होगा। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एक के बाद एक ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा वो महंगा होता जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या ये सारे केबल्स एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जितने भी केबल्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल हैं। ये सारे के सारे केबल्स में, ये जो जितने भी केबल्स हैं कैट 5 से लेकर कैट 7 तक, ये जितने भी केबल्स हैं इन सारे में आपको कनेक्टर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर को आपने ज़रूर देखा होगा, हर किसी ने देखा है, जितने भी इथरनेट वायर्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर हमें RJ45 कनेक्टर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेशल मैं बात करूँ कंज्यूमर ग्रेड में हमें ज्यादातर RJ45 कनेक्टर को ही देखने को मिलता है। और इस कनेक्टर को स्टैंडर्डाइज किया गया था इथरनेट केबल के लिए 1987 में। आप चाहे यकीन करो या फिर ना करो, काफी अजीब बात है, बहुत ही पुराना कनेक्टर है, इसी को हम आज भी यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहां पे कैट 5 और कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये आखिर है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग होता है। और उसके साथ साथ ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, इनको आप ऐसा सोच सकते हो कि अलग अलग वर्सन्स है इथरनेट केबल का, ये अलग अलग वर्सन्स है। आप ऐसा अपने दिमाग में जस्ट एग्जाम्पल की तरह ऐसे सोच सकते हो, अलग अलग वर्सन्स है ये और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी अलग अलग स्टैंडर्ड है इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ पे ये आपको क्या ऑफर करता है कैट 5 के मुकाबले में, कैट 5E आपको क्या एक्स्ट्रा ऑफर करता है, कैट 5E के कंपैरिजन में कैट 6 आपको क्या एक्स्ट्रा ऑफर करता है। ये पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि कैट का फुल फॉर्म है कैटेगरी। तो यहाँ पे जो कैट 5 है इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे कैट 5 में आपको मिनिमम स्पीड मिलेगा 100 Mbps, नॉट Mbps। इनमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये है Mbps, मिनिमम स्पीड है इसका 100 Mbps। और यहाँ पे कैट 5 केबल को यूज़ करके आप इस तार को मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो 100 मीटर तक। और इस तार में यहाँ पे बेसिकली कैट 5 केबल्स में आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ मिल सकता है 100 MHz की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैटेगरी 5E या फिर कैटेगरी 5 एनहेंस्ड या फिर कह लो कैट 5E, तो यहाँ पे आपको मिनिमम स्पीड मिलेगा 1 Gbps। और कैटेगरी 5E केबल को यूज़ करके, मतलब इस केबल को आप 100 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हो, इससे ज़्यादा लंबा आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो है 100 MHz। यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि जो कैटेगरी 5 केबल्स है, मतलब कि कैट 5 जो केबल्स है, वो आज की डेट में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। और आजकल अगर कैट 5 की बात हो रही है तो वो है कैटेगरी 5E केबल्स की बात हो रही है। तो आजकल ज़्यादातर चर्चे में है कैटेगरी 5E, कैट 5 या फिर कैटेगरी 5 को आजकल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर हो चुका है। तो यहाँ पे शायद आपका ऐसा लग रहा होगा कि कैटेगरी 5E में इतना ज़्यादा स्पीड एनहेंस्ड कैसे हो गया। बेसिकली कैटेगरी 5 में क्या होता था, कैटेगरी 5 में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरी 5 में दो अलग अलग ट्विस्टेड वायर का पेयर्स होता था और कैटेगरी 5E में चार अलग अलग ट्विस्टेड वायर का पेयर्स होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे तार बढ़ गया, एक्स्ट्रा वायर्स ऐड हुआ, तो इसी की वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीड मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंटरफेरेंस या फिर क्रॉस टॉक। कैटेगरी 5E में क्रॉस टॉक को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया। कैटेगरी 5 में क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम या फिर आप कह लो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये हुआ कैसे, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से रिड्यूस किया गया। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो इथरनेट वायर्स होते हैं इनमें ट्विस्टेड वायर पेयर्स रहते हैं, मतलब कि वायर्स को ऐसे मुड़ा हुआ रहता है।
आप यहाँ पे जैसे कि इमेज देख सकते हो, पर सेंटीमीटर वायर्स को कितना बार ट्विस्ट किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कैटेगरी 5 में बेसिकली एक से लेके दो बार के अंदर ही पर सेंटीमीटर ट्विस्ट किया जाता था, पर यहाँ पे कैटेगरी 5E में दो से ज़्यादा बार ही पर सेंटीमीटर ट्विस्ट किया जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है या फिर जो क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्विस्टेड वायर पेयर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में ऐसे वायर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या चीज़ होता है, यहाँ से मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ से इंटरफेरेंस कम हो जाता है, पर वो कैसे होता है वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को वापस से आगे बढ़ाते हैं, अब आ जाते हैं कैट 6 पे। कैट 6 में हमें क्या बेनिफिट मिला, कैट 6 में एक्स्ट्रा क्या है? बेसिकली कैट 6 में आपको जो मिनिमम स्पीड है वो है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड आप सोच सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जो वायर्स की जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 55 मीटर। यहाँ पे 100 मीटर नहीं है, यहाँ पे है 55 मीटर। और यहाँ पे मैक्सिमम बैंडविड्थ मिल सकता है 250 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कैट 5E कहाँ पे यूज़ करें और कैट 6 कहाँ पे यूज़ करें। एक सिंपल मैं चीज़ों से मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कैट 5E केबल्स मोर देन एनफ है आपके होम यूसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम स्पीड आपको मिल जाएगा 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो केबल प्रीमियम केबल है तो आपको मैक्सिमम तो कुछ भी स्पीड मिल सकता है, कुछ भी नहीं 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम शायद मिल जाए 2 या फिर 3 या फिर 4 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं आपको बेयर मिनिमम स्पीड की बात कर रहा हूँ, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो इस तरह के केबल्स आप घर में आराम से यूज़ कर सकते हो नॉर्मल यूसेज में। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप अपने राउटर से आप अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट कर रहे हो, लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हो, या फिर अपने राउटर से कनेक्ट कर रहे हो अपने स्मार्ट टीवी को, तो ऐसे कामों में आप इसको यूज़ कर सकते हो कैट 5E केबल को। आज की डेट में कैट 5E केबल बहुत ज़्यादा सस्ता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। कैट 6 केबल्स की बात करें तो कैट 6 केबल थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के केबल्स को आप इंटरनल वायरिंग्स में यूज़ कर सकते हो। इंटरनल वायरिंग्स का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों के घर में आपने शायद देखा होगा कि दीवार में ही लगा हुआ रहता है इथरनेट केबल का स्लॉट। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि RJ45 कनेक्टर दीवार में ही लगा हुआ है, तो वहाँ पर ही जाकर डायरेक्टली टीवी कनेक्ट कर दो, लैपटॉप कनेक्ट कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। तो बहुत सारी जगह पर आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों के घर में आपने ये चीज़ ज़रूर देखा होगा, और अगर आपके घर में है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया में ये चीज़ काफ़ी रेयर है, पर बाहर की देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे इंटरनल जितने भी वायरिंग्स होते हैं अगर आप इनको करने के लिए कैट 6 केबल को यूज़ करोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरनल वायरिंग्स के केस में आपको कैट 6 केबल ही यूज़ करना चाहिए, कैट 5E केबल नहीं, कैट 5E को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। कैट 6 या फिर उससे बियॉन्ड जो केबल्स है, जो उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, उनको यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कैट 6A में हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कैट 6 का जो लिमिटेशन था डिस्टेंस, यहाँ पे 55 मीटर से ज़्यादा लंबा हम केबल्स को नहीं कर सकते, यहाँ पे ये जो लिमिटेशन था इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया कैट 6A में। कैट 6A में ये जो केबल्स हैं इनको आप 100 मीटर तक लंबा कर सकते हो, और यहाँ पे जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो है 500 मेगाहर्ट्ज़। अब यहाँ पे शायद आपके मन में एक और बार ये सवाल आ सकता है कि फिर से स्पीड को कैसे बढ़ाया गया। यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, जो वायर्स की जो ट्विस्ट है उनको बढ़ाया गया, पर सेंटीमीटर ट्विस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया, तो इसी की वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा स्पीड मिला। उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो है शील्डिंग, तो इससे क्या होता है कि बन जाता है फैराडे केज। फैराडे केज के बारे में मैंने बहुत बार पहले जिक्र किया है, इसके बारे में मैंने एक पूरा इनडेप्थ वीडियो भी बनाया था, आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे फैराडे केज बन जाता है, मेटल की शील्डिंग यूज़ की जाती है, तो इसी की वजह से भी बाहर की जो सराउंडिंग वायर्स है उनके साथ जो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अंदर की इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए मैंने तो आपको अभी भी बताया कि वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चेंज किया गया कैट 6 और कैट 6A केबल्स के साथ, यहाँ पे जो 4 अलग अलग वायर की पेयर्स है इनके बीच में यहाँ पे हमने क्या किया, लगा दिया एक प्लास्टिक का कोर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 4 अलग अलग पेयर्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे सेपरेशन की वजह से इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम और भी खत्म हो गया। इंटरफेरेंस कह लो या फिर आप कह सकते हो क्रॉस टॉक, तो इनका जो प्रॉब्लम है ये और भी ज़्यादा कम हो गया, तो इसी की वजह से हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट मिला, और भी ज़्यादा स्पीड मिला। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो शील्डिंग होती है, जो मेटल की शील्डिंग होती है, ये सारे के सारे वायर्स में देखने को नहीं मिलता,
ज्यादातर जो प्रीमियम केबल्स है वहाँ पे ही मेटल की शील्डिंग देखने को मिलता है। मतलब कि जो प्रीमियम कैट 6 केबल्स होते हैं या फिर कैट 6A केबल्स होते हैं वहाँ पे ही आपको मेटल की शील्डिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो नॉर्मल केबल्स होते हैं, जो नॉर्मल कैट 6 या फिर कैट 6A केबल्स होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक की कोर यूज़ की जाती है। और जो प्रीमियम केबल्स होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक की कोर तो रहता ही है, कैट 6 या फिर कैट 6A केबल्स में प्लास्टिक की कोर तो रहता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे मेटल की शील्डिंग भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैटेगरी 7 केबल या फिर कैट 7 केबल्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे कैट 7 या फिर कैटेगरी 7 केबल्स में जो बेयर मिनिमम स्पीड है उसको एनहांस नहीं किया गया। यहाँ पे बेयर मिनिमम स्पीड वही है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, पर मैक्सिमम स्पीड केबल टू केबल वेरी करेगा, डिपेंड करता है केबल की क्वालिटी के ऊपर। वो केबल अगर प्रीमियम केबल है, काफ़ी महंगा केबल है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है, 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड के आसपास भी मिल सकता है। पर आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास जो स्विच होगा या फिर आपके पास जिस तरह का राउटर होगा, जिस तरह का आपके पास कंप्यूटर होगा, वो आज की डेट में 10 गीगाबिट्स पर सेकंड से बियॉन्ड नहीं जा सकता। बेसिकली यहाँ पे जितने भी वायर्स की बात हो रही है कैटेगरी 5 से लेकर कैटेगरी 7 तक, ये जितने भी वायर्स हैं इनको आपके लिए ये चीज़ कब काम में आएगा, इतना ज़्यादा स्पीड आपके लिए कब काम में आएगा? अगर नॉर्मली आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए इतने स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे आप कैट 5E लगाओ, चाहे कैट 7 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा स्पीड कब काम में आता है? जब आप लोकली डाटा को शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर रहे हो अपने किसी दूसरे कंप्यूटर को, और यहाँ पे अगर दोनों ही कंप्यूटर गीगाबिट नेटवर्क को सपोर्ट करता है तो इस कंडीशन में आप गीगाबिट स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। या फिर आपके पास एक 10 गीगाबिट का स्विच है और उस स्विच से आप कनेक्ट कर रहे हो अपने दो अलग अलग कंप्यूटर्स को, और उस कंप्यूटर से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो स्विच के थ्रू, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगा। पर हाँ, आज की डेट में जितने भी लैपटॉप्स अवेलेबल है, जितने भी डेस्कटॉप्स अवेलेबल है, यहाँ पे मदरबोर्ड के द्वारा आपको मैक्सिमम 1 गीगाबिट का नेटवर्क दिया जाता है, 1 गीगाबिट की सपोर्ट दी जाती है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो 1 गीगाबिट से, अगर आप बियॉन्ड जाना चाहते हो, 10 गीगाबिट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अलग से नेटवर्क कार्ड खरीदना पड़ेगा। विदाउट नेटवर्क कार्ड ये पॉसिबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप अलग से एक नेटवर्क कार्ड खरीद लेते हो और उस नेटवर्क कार्ड से आप अपने 10 गीगाबिट की जो स्विच है उसको कनेक्ट करते हो, दोनों ही कंप्यूटर में अगर आप ऐसे नेटवर्क कार्ड लगाते हो और यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो एक 10 गीगाबिट का स्विच, और उसके साथ साथ आप यूज़ करते हो कैट 6A केबल या फिर कैट 6 केबल या फिर कैट 7 केबल, तो आपको 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी। इतना स्पीड में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये चीज़ें मेनली काम में आता है अगर आप घर में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर आप घर में होम सर्वर बनाना चाहते हो, या फिर आप यूज़ कर रहे हो किसी तरह का NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज, तो इस तरह के कंडीशंस में आपके लिए इतना ज़्यादा स्पीड मैटर करेगा। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं जो चीज़ अधूरी रह गई कैट 7 के बारे में। कैट 7 केबल्स को आप मैक्सिमम 100 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ मिलेगा 600 मेगाहर्ट्ज। तो इतना ही सब कुछ आपको कैट 7 के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में फिर से सवाल हो सकता है कि कैट 7 केबल में हमें इतना ज़्यादा स्पीड क्यों मिल रहा है, यहाँ पे तो वायर्स को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया नहीं गया, जैसे कि कैट 5 और कैट 5E में क्या किया गया था कि कैट 5 में था 4 अलग अलग केबल और 4 अलग अलग इंडिविजुअल वायर्स, और यहाँ पे कैट 5E में 8 अलग अलग इंडिविजुअल वायर्स हो गए। पर यहाँ पे कैट 7 में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे स्पीड कैसे बढ़ रहा है? बेसिकली यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल पेयर्स को मेटल की शील्डिंग की जाती है, और यहाँ पे चारों के चारों जो अलग अलग पेयर्स है इनको भी एक साथ मेटल की शील्डिंग की जाती है। तो इसी की वजह से इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इंटरफेरेंस या फिर क्रॉस टॉक जो भी आप कह लो, ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसी की वजह से आपको इतनी स्पीड मिलती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे फिजिकल डिफरेंस की बात करूँ तो कैट 5 केबल सबसे ज़्यादा पतला होगा, कैट 5E उससे थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस में मोटा होगा। कैट 5 जो केबल है उसके मुकाबले में कैट 5E थिकनेस में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होगा, और कैट 5E के कंपैरिजन में कैट 6 और ज़्यादा मोटा होगा, कैट 6 के कंपैरिजन में कैट 6A और भी ज़्यादा मोटा होगा, और कैट 6A के कंपैरिजन में कैट 7 सबसे ज़्यादा मोटा होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कैट 7 केबल्स होते हैं, यहाँ पे जो RJ45 कनेक्टर यूज़ किया जाता है उसको भी काफ़ी प्रीमियम बनाया जाता है। जो कनेक्टर होता है वो ज़्यादातर मेटल की बनाई जाती है, जो बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है वो प्लास्टिक का होता है, पर जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे क्लिप लगा हुआ रहता है
वो पोर्शन ज़्यादातर मेटल की बनाई हुई रहती है, तो इसी की वजह से ये केबल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। बहुत सारी चीज़ें कैट सेवन केबल्स में ऐड होती है, तो इसी की वजह से कैट सेवन केबल सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। यहाँ पे मैं आपको लास्टली यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने राउटर से सिर्फ अपने लैपटॉप को चलाना चाहते हो, राउटर से और कोई डिवाइस को आप कनेक्ट नहीं करोगे, या फिर आपके पास किसी तरह का कोई बढ़िया क्वालिटी का राउटर नहीं है, जो कैजुअल जो राउटर्स होते हैं, जो चीप राउटर्स होते हैं वही है, तो आपको कैट 5E से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैट 5E से ज़्यादा पावरफुल केबल की ज़रूरत नहीं है। आप कैट 5E केबल्स खरीद लो तो आपके लिए आराम से कम बन जाएगा। पर अगर आप इंटरनल वायरिंग्स कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, कुछ टाइम पहले ही बताया, तो उस कंडीशन में आप कैट 6 या फिर कैट 6A केबल्स को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ भी है। और अगर आप खरीदते हो कैट 7 केबल, तो ये एक्सट्रीम फ्यूचर प्रूफिंग हो जाएगी, इतना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक और चीज़ बताता चलूँ कि कैट 5E की, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 मीटर की केबल है, और यहाँ पे कैट 6 की 5 मीटर की केबल है, तो इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस ऑब्वियसली होगा। दोनों ही 5 मीटर का है, पर फिर भी इनमें प्राइस का डिफरेंस होगा। तो अगर आप कोई केबल खरीद रहे हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि वो कैट 5 है, कैट 5E है, या फिर कैट 6 है, कैट 6A है, या फिर कैट 7 है। आप अगर किसी दुकानदार से खरीद रहे हो, किसी दुकान पे जाके किसी तरह का कोई केबल खरीद रहे हो, तो आप कभी भी कैट 7 केबल्स को मत खरीदिएगा, वो फालतू में पैसा वेस्ट होगा। अगर आप कैट 7 केबल्स खरीदते हो, कैट 6A या फिर कैट 6 तक ठीक है, नॉर्मल यूसेज में भी आप कैट 6 या फिर कैट 6A केबल्स खरीद सकते हो। और अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस को अपने राउटर के साथ या फिर अपने स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आप कैट 6 या फिर कैट 6A केबल खरीद लो, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैट 7 आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने आपको जितना भी बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं सब करता हूँ, देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।